हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। ये एमयू एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है जो 27 सितंबर में हुआ था, और इस पेपर को हम लोगों ने डीपली एनालाइज़ किया है। और एनालाइज़ करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी मेरिट कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड नॉट श्योर, तो गेस करके, अंदाज़ा लगा करके, स्टूडेंट से बात करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी मेरिट कितनी जाएगी। तो पहले तो हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालाइज कर लिया है। जैसे इंग्लिश के इसमें 20 क्वेश्चन थे और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, डीआई के 10 क्वेश्चन थे, उसके बाद डीएस से भी 5 क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी डीएस से 5 क्वेश्चन लिए गए थे, जीके और करंट अफेयर्स के 25 और मैथ्स यानी कॉन्ट के 25 क्वेश्चन थे। तो इसमें जो हमने बात की स्टूडेंट से, इन जनरल मैं एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात करूँगा, जो लोग कोचिंग क्लासेस करते हैं या इस तरह से तैयारी करते हैं, उनके बिहाफ पे मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे इसका जो इंग्लिश सेक्शन जो 20 क्वेश्चन था, तो 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन तक, यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन बच्चा कर सकता था। तो जो मिनिमम हमने टारगेट लिया है 10 और मैक्सिमम 15, कुछ स्टूडेंट से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट्स का मैं एवरेज ले रहा हूँ कि कितना मतलब वो लोग कर सकते हैं। उसके इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन थे, तो 7 से 12 क्वेश्चन स्टूडेंट कर सकते थे। इसमें एक्चुअली में पजल का क्वेश्चन था, अगर पजल्स का वो क्वेश्चन टैकल हो जाएगा तो 12 भी कर सकते थे, 7 से 12 का रेंज हम ले सकते हैं। और इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द डीआई के 10 क्वेश्चन थे, तो 5 से 8 क्वेश्चन डीआई से भी किया जा सकता था। और डीएस की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन आए थे डीएस की डेटा सफिशेंसी से, तो डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चन ठीक थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है किया जा सकता था, लोअर लेवल 2 और हायर लेवल 3। और जीके की अगर बात कर लेते हैं, तो जीके इस बार अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जीके का हम टारगेट ये ले सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन, यानी कि लोअर 10 और हाईएस्ट जो होता है 15। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स बहुत ईजी आया था। सिर्फ मैथ सेक्शन देखा जाए तो मैथ सेक्शन के साथ अकॉर्डिंगली पेपर बहुत मॉडरेट था, बहुत ईजी भी हम कह सकते हैं मैथ का सेक्शन। तो इसमें 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन, तो अगर इनका सबका हम सम करते हैं तो जो हमारा लोअर बनता है वो 49, सबका सम कर लेते हैं, और हायर स्कोर अगर हम देखते हैं तो 73 बनता है। दैट मीन्स अगर हम इसका एवरेज ले लें तो दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 61 आ रहा है, राइट। तो 60 तो जो जिन लोगों ने स्कोर किया है इस पेपर में, जिनका 60 है, वो तो बिल्कुल सेफ साइट है, तो उनका तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली। लेकिन जिनका 50 एंड अबव है, उनको भी जीडीपीआई के लिए कॉल आ सकती है। और वैसे मेरा जो प्रिडिक्शन है वो 55 है, कट ऑफ इसका 55 जाना चाहिए, तो 55 से लेकर के 60 के बीच में जो होगा इसका कट ऑफ होना चाहिए। मैंने प्रिडिक्शन किया है, ये एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए किया, आई मीन जनरल स्टूडेंट के लिए, और इंटरनल का जैसे आपको पता है कि 10 से 15 और भी डाउन जा सकता है। तो पेपर हम कह सकते हैं ईजी भी नहीं था, मॉडरेट पेपर था। अगर ओवरऑल सेक्शन को देखते हैं, देखिए पेपर को ले करके सिर्फ देखना और एनालाइज करना तो ईजी लगता है, लेकिन सेम पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, नो डाउट। तो ये तो थी आपको मैंने कट ऑफ के लिए बता दिया है, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है या जो जामिया के लिए भी दे रहे हैं, वो हमारे जीडीपीआई क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल क्लास होगी आपके लिए, ये एक ट्रेनिंग क्लास होगी और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको जीडी की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी, पर्सनल इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। और इस क्वेश्चन पेपर को जो है वो टाइप करवा करके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पेपर का वीडियो शूट भी कर दिया गया है, इन केस अगर कोई आपको टाइपिंग मिस्टेक मिलती है, अगर आपको कोई टाइपिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या कभी होता है कि किसी डायग्राम में कोई इशू है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट आपके साथ और ऐड करना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर हम लोग अपलोड करते हैं, वो किसी न किसी स्टूडेंट से ले करके हम लोग अपलोड करते हैं, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, उनको ये लगता है कि ये सर ने या फैकल्टी ने सॉल्व करके जो है दिया है, तो ये हम लोग नहीं सॉल्व किए हैं अभी, हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग डेफिनेटली अपलोड करेंगे, लेकिन ये जिस स्टूडेंट का पेपर है उन लोगों ने सॉल्व किया है, तो उनका ये मतलब सॉल्यूशन करेक्ट भी हो सकता है और रॉन्ग भी हो सकता है, तो इसके लिए सेंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए अपने वे पे। और जो स्टूडेंट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं, एमबीए के लिए या कैट मैट के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे रेगुलर क्लासेस को या क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लासेस होंगी।
और हम लोग क्लास में जो असाइनमेंट तो प्रोवाइड करते हैं, हर टॉपिक के असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, और एक चैप्टर कवर करने के बाद हम उसके दो लेवल पे टेस्ट लेते हैं, एक लेवल वन और दूसरे एडवांस लेवल, यानी कि मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल के टेस्ट ले जाते हैं। टेस्ट जितना भी आप देते हैं तो आप अपने आप को बेटर एनालाइज़ कर सकते हैं कि आपकी वीक पॉइंट कहाँ है, आप उसका एनालाइज़ कर सकते हैं। और जब हमारा पूरा सिलेबस कम्प्लीट हो जाता है तो हम आपको पहले 100 मार्क्स के जो है मॉक टेस्ट देते हैं, जो बेसिकली एमयू के ऊपर बेस्ड होते हैं, और वो मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको 170 के मॉक टेस्ट देते हैं जो कि जामिया के ऊपर फुल्ली बेस्ड होते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। डेफिनेटली आप अपने आपको बेटर वे पे एनालाइज कर सकते हैं, हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारी स्पीड कितनी है, हमारी एक्यूरेसी क्या है, कौन सा सेक्शन हमारा वीक है, कौन सा हमारा स्ट्रांग है। तो टेस्ट डेफिनेटली आपको देना चाहिए, टेस्ट देने से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आप इसमें जो आपको वेबसाइट दिया गया है thestareducation.com, इस पर आप विज़िट करके आप सेंटर के वेबसाइट पर आ सकते हैं, और आने के बाद वहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल लेके हमें कॉल कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरीज है तो आप रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।